उज्जैन जिले के महतपुर तहसील में किसान बड़ी संख्या में अपनी समस्या बताने के लिए शिकायती पत्र देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं मिल सके। बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी, क्या था? अच्छा, कितने किसान आए थे यहाँ पर महितपुर से? फिर नहीं मिल पाए आप लोग? चर्चा कोई नहीं मिले, कोई साफ ही नहीं सुनता है। अच्छा, नहीं सुनवाई हो रही? आज उज्जैन आए थे, फिर क्या हुआ, सुनवाई हुई? आए थे, मुख्यमंत्री मिला कोई, कोई नहीं, पुलिस वाला नहीं आई, रोकी दिया, रोड पे खड़ा है, दबा देना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मंचों से और चुनावी कार्यक्रम में सब दूर यही कहते हुए नजर आते हैं कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाले सभी किसान मजदूर मेरे जो है अन्नदाता सभी भगवान है, और मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान कहकर उद्बोधन भी दिया जाता है, और हमेशा उनको भगवान के रूप में मानने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन में आगमन हुआ था बड़े, मगर यहाँ पर उज्जैन जिले में आज यहाँ पर हेलीपैड पर और अपनी समस्याओं को बताने के लिए अन्य जो तहसीलें हैं वहाँ से किसान मजदूर यहां पर पहुंचे हुए थे और अपनी समस्या बताना चाह रहे थे, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीड़ित और परेशान किसान नहीं मिल सके और अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर सके। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह पवार, मैं महितपुर से हूं सर। मैं चले तो हुए 7 महीने हो गए सोसाइटी में समर्थन मूल्य पे, सर मेरा आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। सर मेरे पास 8 बीघा जमीन है और मैं मतलब घर से बहुत चिंतित हूँ, मेरे घर में सब परेशान है और बीमार है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब अगर सब हर अधिकारी से मिल लिया सर, हम सब तहसीलदार साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, एडी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, इसके बाद में सांसद जी से भी मिले। तो देखा किस प्रकार से ये किसान बता रहे हैं, चीख चीख के अपनी परेशानी बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं कि हमने हमारी जो है परेशानी समस्या तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय पर बताई, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। वो साथ ही ये जो किसान हैं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए थे, पर इन ये आज भी अपनी बात अपनी समस्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने नहीं रख सकते। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ और लोग मौजूद हैं कि क्या बजा रही है और क्या स्थिति रही। दादा बताइए क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौधरी। मेरा नाम। कहाँ रहते हैं आप? गाँव खिटिया। कहाँ से आए थे आप लोग? बताइए क्या समस्या, क्या परेशानी थी, क्या रहा? 7 माह हो गए चले तो लेट, अभी तक पेमेंट नहीं आया, हर अधिकारी चक्कर में चक्कर दे रहा है, कोई नहीं सुन रहा। मुख्यमंत्री से मिलने आए थे हम, फिर नहीं मिल पाए, कलेक्टर साहब। तो देखा किस प्रकार से इन किसानों का स्पष्ट कहना है, यहाँ पर हेलीपैड के बाहर ये किसान खड़े हुए हैं जो अपना किराया लगाकर व्यवस्थाओं को बनाकर वहाँ से जो करीब 60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर और करीब 80 किलोमीटर दूर से आए हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी समस्या बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, पर यहाँ पर ना तो जो है ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा इनको मिलाया गया और ना ही इनको मिलने दिया गया। इन किसानों की समस्या कैसे निराकरण होगा और कैसे सुनवाई उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।